आज
के दरबार में जाना, सीने से चादर लगा, चादर को लगा लिया। तो हुआ क्या, अभी बोले रहा परमात्मा जी, मैं इस वाक्य के बाद जो भी सुनता हूँ याद रखता, हुआ यादगार आपका ये अताए मोहम्मद ही है। मालूम हुआ आपका किसी को तो देना मजबूरी इख्तियार, मजबूरी इख्तियार, इख्तियार रखने वाले को क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं अनबिजुल धार, अनबिजुल। और एक हदीस, ये इख्तियार ये शिफा देने में, बीमारी देने में, पहली हदीस में क्या साबित हुआ, बीमारी को हम देते हैं, बीमारी देने का इख्तियार किसे दिया, बुजुर्ग को। दूसरे हदीस में क्या मालूम हुआ, शिफा देने का इख्तियार किसे दिया, शिफा देना बुजुर्ग के इख्तियार में, ना देना बुजुर्ग के इख्तियार में। और वो जो बीमारी के नाम से है, नाम बीमारी हकीकत में वो शहादत है, ताबूत मुसलमानों के लिए शहादत है, काफिरों के लिए अजाब। तो ये देना किसका काम है, हुजूर का काम है। तो इख्तियार अल्लाह ने हुजूर को दिया, नहीं दिया तो हुजूर का कभी हुजूर का हो। और एक हदीस, अब ये सब शिफा बीमारी इन चीजों का इख्तियार है। अब देखिए बड़ी चीज है अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह के अहकाम। इसने इंसानों को इसने इख्तियार दिया, उसने इख्तियार दिया, हमने अहकाम में इख्तियार दिया, हमको कितना इख्तियार दिया ना, अगर हमको इख्तियार है अमल में ये कर ले सकते हो, कर ये फर्ज है, ये ऐसा ही करना है, वाजिब है ऐसा ही करना, ईशा की नमाज, मगरिब की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, सब मिलाकर पढ़ ले, होता है क्या है। तो आप अहकाम अल्लाह के हमको इख्तियार नहीं है, हम मजबूर हैं, बंदे हैं, मुस्नद अहमद में हदीस है, इसके रजाल सहाब हजरत नसर बिन आसिम लैसी ताबी से मरवी है कि आपके कबीले वाले एक सहाबी ने कहा कि मैं जब हुजूर के पास मुसलमान होने को आया तो मैंने मुसलमान होने की के अंदाज ऐसे थे, मैं हुजूर के पास आकर कहने लगा कि मैं मुसलमान होगा इस शर्त पर के दो नमाज नहीं पढ़ूंगा, इस शर्त पर दो नमाज अल्लाह के वास्ते ऊपर तो हमारे देश में तुम्हारे देश में क्या है, आने वाला तो क्या कहता है, मुस्लिम आला अल्लाह मुसल्ली अल्लाह सलाताई, मैं मुसलमान होता हूं इस शर्त पर कि दो नमाजें ही पढ़ूंगा, कितनी नमाजें पढ़ती है, पांच नमाजें, हम मुसलमानों पर कितनी नमाजें पढ़ा। और आने वाले कहते हैं कि यार रसूल मैं मुसलमान होता हूँ, आपका नाम थामता हूँ, तौहीद ए इलाही कबूल करता हूँ, इस्लाम कबूल करता हूँ, शर्त क्या, दो नमाजें पढ़ूंगा। तब अभी अल्लाह ने कभी की आज आप कबूल सोचो जरा, हम बोल सकते हैं, वल साहब बोल सकते हैं, आज के मुफ्ती साहब बोल सकते हैं, काजी साहब बोल सकते हैं, हाकिम कोतवाल बोल सकते हैं, अल्लामा बोल सकते हैं, बड़े मुहक्किक शेख उल इस्लाम बोल सकते हैं, और पूरी दुनिया को सबक सिखाने वाले कोई मौलवी साहब बोल सकते हैं, बोले या कहा बोल रहे हैं। अगर आज कोई मुसलमान मौलवी साहब ये बोले कि भाई मुसलमान होना चाहता है तो उसकी नमाज पढ़ना चाहता है, आज मुसलमान हो जाते तेरे लिए भी मुफ्ती नमाज माफ है, बोले मुझे काफी हो गया, बोलने वाला वो भी इस्लाम में आएगा नहीं, ये पहले इस्लाम में से आएगा, वो भी आएगा नहीं, ये भी नहीं रहेगा, है ना, देखिए कितना बड़ा फर्क बताया जा रहा है हम में और उनमें। वो फरमाए अब हमी लगा रही कभी नहीं, हुजूर कबूल फरमाते हैं, और देखिए नमाज को फर्ज हुजूर ने नहीं किया, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने हुजूर ने फर्ज किया नमाज को, किसने फर्ज किया, यहां कबूल कौन कर रहे हैं, क्या मानना, अल्लाह ने अपने नबी को अपने अहकाम में उस्ताद बनाया, अपने अहकाम में